Like the video, subscribe to the channel and press the bell icon for latest video update. हेलो बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं क्लास फोर्थ का मैथमेटिक्स। आज हम सब पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.4 मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज। ओके, क्या पढ़ेंगे हम? मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज। ओके, देखिए आपको सिंपल हम बता दें कि मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टी होती है वो बहुत ही सिंपल होती है। हमें इसमें बहुत कम ही पढ़ना, अभी फोर्थ लेवल है तो फोर्थ लेवल में बहुत ही छोटा सा पढ़ना है, ठीक है? तो देखिए, पहला प्रॉपर्टी जो दिया है, ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्या दिया है? ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ऑर्डर का मीन्स होता है क्रम, क्रम वाला प्रॉपर्टी, ठीक है? और दूसरा जो है जीरो प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जीरो की प्रॉपर्टी। व्हेन वन इज मल्टीप्लाइड टू एनी नंबर, टू प्रोडक्ट इज ऑलवेज द नंबर इटसेल्फ। ए वन से मल्टीप्लाइड का प्रॉपर्टी है। ओके, कहने का मीन्स हमें यहाँ केवल तीन प्रॉपर्टी ही पढ़ना है। अभी जब आप फिफ्थ में जाएंगे तो आपको फोर पढ़ने होंगे, जब सिक्स में जाएंगे तो इससे भी ज्यादा, ठीक है? तो वहां आपको सभी प्रॉपर्टी पढ़नी होगी, लेकिन इसमें जो पढ़ना है केवल तीन प्रॉपर्टी है। आइए देखते हैं। फर्स्ट है प्रॉपर्टी वन, ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ऑर्डर प्रॉपर्टी का मीन्स होता है क्रम को बदल देने वाला नियम, ठीक है? देखिए, हम यहाँ आपको बता रहे हैं जो पहली प्रॉपर्टी है वो है ऑर्डर। ऑर्डर प्रॉपर्टी, इसे हम कह सकते हैं कॉम्यूटेटिव। क्या कहेंगे? कॉम्यूटेटिव। ये अभी आपको नहीं पढ़ना है, कॉम्यूटेटिव का नाम आपको अभी नहीं लेना है, क्योंकि आप जब सिक्स में जाएंगे या फिफ्थ में जाएंगे तब आपको पढ़ना है। लेकिन आपको जानना है कि ऑर्डर जो होता है कॉम्यूटेटिव के बराबर होता है, दोनों का नाम एक ही है। जैसे हम ये आपसे कह दें कि ये हमारे पास टू है और ये थ्री है, इसे क्या कहेंगे? टू मल्टीप्लाई थ्री। ओके, अभी हम यहाँ और लिख दें एक चीज, थ्री मल्टीप्लाई बाई टू। अब बताइए, क्या दोनों अलग है? आप कहेंगे यहाँ टू पहले है, यहाँ टू लास्ट में है, तो इसे कोई मीन्स नहीं है। देखिए, यदि टू का टेबल थ्री टाइम पढ़ते हैं तब भी सिक्स आएगा, यदि थ्री का टेबल टू टाइम पढ़ेंगे तब भी सिक्स ही आएगा। ओके, यदि दोनों तरफ कोई नंबर दिया गया है तो उसकी वैल्यू सेम आएगी। इसे कहते हैं क्रम विनिमेय नियम, यानी ऑर्डर प्रॉपर्टी या कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, अब ये पहला था। इस कहने का मीन्स है इसके ऑर्डर को, यानी इसके क्रम को आगे पीछे कर दें, बदल दें, तो इसमें कोई अंतर नहीं आएगा, ठीक है? दूसरा है मल्टीप्लाइड बाय जीरो, यानी इसे क्या कहते हैं? जीरो प्रॉपर्टी। जीरो प्रॉपर्टी का मीन्स होता है किसी भी संख्या में, किसी भी नंबर्स में यदि हम जीरो से मल्टीप्लाई कर दें तो उसकी पूरी वैल्यू शून्य हो जाती है। आपको इतना समझना है, कोई संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, यदि उसमें हम जीरो से मल्टीप्लाई कर दें, यानी जीरो से गुणा कर दें, तो उसकी जो वैल्यू आएगी, जो रिजल्ट आएगा, जो परिणाम आएगा, वो क्या आएगा? शून्य आएगा, ठीक है? जीरो का मल्टीप्लाई किसी के साथ भी हो वो जीरो हो जाएगा। तीसरा है व्हेन मल्टीप्लाइड वन। जैसे हम कोई संख्या ले लेते हैं, वेरिएबल ले लेते हैं, चर राशि, जैसे ए बी सी डी, एस ए टू जेड कोई भी ले सकते हैं, ठीक है? यदि इसमें हम वन से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना आएगा? वन का मीन्स होता है जो संख्या दिया रहेगा, जो नंबर्स दिया रहेगा, वही आएगा, खुद इटसेल्फ आएगा, स्वयं आएगा। हमारे पास जैसे 230 हो गया, तो 130 का मल्टीप्लाई यदि हम वन से करेंगे तो ये कितना आएगा? 231 जा 230। देखिए, आप लोग टेबल पढ़ते हैं ना, यदि आपको सेवंथ का टेबल अगर जीरो वन टाइम कर दिया जाए तो सेवंथ वंजा कितना आता है? सेवन आता है ना। इसके कहने का मीन्स ये है कि यदि किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई वन से किया जाता है तो वही बड़ी संख्या आ जाती है, ठीक है? क्लियर, गुड। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आइए बुक को देखते हैं कि बुक में हमें पढ़ना क्या है।
डू क्वेश्चन फर्स्ट फिल इन द मिसिंग फैक्टर टू सो दैट मल्टीप्लीकेशन इज कॉमिटेटिव। देखिए यहाँ भी लिखा ना कॉमिटेटिव, मैंने अभी कहा था ना यहाँ ऑर्डर प्रॉपर्टी दिया है, यहाँ कॉमिटेटिव दिया है, दोनों का मीन्स एक होता है यानी क्रम को बदल देना। आपको सिंपल यही करना है। देखिए 3 8 दिया है तो 8 यहाँ दिया है, यहाँ कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए। कॉमिटेटिव का मीन्स सब में वही दिया है, आपको क्रम बदल देना है, दोनों में देखना वही है। 3 8 है, इसमें 8 है तो इसमें क्या भरा जाएगा 3, ठीक है। इसमें 2 है, इसमें 7 है, तो इसमें अगर 2 है तो 7 तो होना ही चाहिए, तो यहाँ पर 7 फिल कर देंगे और यहाँ पर 2 फिल कर देंगे। यही दोनों नंबर्स के अलावा कोई नंबर नहीं आएगा, ठीक है। 8 है, यहाँ 17 है, तो यहाँ 8 कर देंगे, यहाँ 17 कर देंगे, यहाँ 8 कर देंगे, यहाँ पर 12, यहाँ पर 4, यहाँ पर 12, यहाँ पर 4, ओके। अब यहाँ पर करेंगे 2 7 दिया ना, तो 7 2 कर देंगे, 9 11 11 9, 7 3 7 3, 5 13 13 5, क्लियर। जैसे जैसे मैंने बताया, यदि आपको कन्फ्यूजन हो तो वहाँ वीडियो को देखते रहिए और किताब में टिक करते रहिए क्या भरा जाएगा, फिर कॉपी में टिक करते रहिए। फाइंड द मिसिंग नंबर। देखिए यदि हम किसी भी नंबर्स में 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 0, कितना आता है 0। यदि 10 का मल्टीप्लाई 0 से कर दें तो 0 10 कितना आएगा 0 आएगा। किसी भी नंबर्स का 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 0 0 0 0, यानी सब में 0 फिल किया जाएगा, ओके। फाइंड द मिसिंग फैक्टर। फाइंड द मिसिंग फैक्टर, देखिए 13 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे कि 13 आएगा, 13 1 13, तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 4 1 4 यानी 1, यहाँ 1 यहाँ 1, यहाँ पर 1 यहाँ पर 1, यहाँ पर 16 यहाँ पर 10। देखिए 1 पहले से दे दिया तो 16 1 16, 10 1 10, ओके। फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स, द प्रोडक्ट ऑफ 13 एंड 0 इज। देखिए प्रोडक्ट का मीन्स होता है मल्टीप्लाई, जब हम 13 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे, यहाँ देखिएगा जब हम 13 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो कितना आएगा 13 0 जा 0, ओके। यहाँ पर 0 फिल कीजिएगा। द टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्ट 25 आर, द टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्ट 25 कह रहा है, दो फैक्टरों का जो मल्टीप्लाई है 25 है आर, यहाँ पर क्या होगा। देखिए अभी हमने जो पढ़ा है 1 0 और कॉम्यूटेटिव पढ़ा है, तो इसी के अनुसार हमें यहाँ फैक्टर करने हैं, नहीं तो फैक्टर हमें अगले एक्सरसाइज में पढ़ने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसी के अनुसार करेंगे हम, तो इसको करेंगे 1 into 25, यहाँ पर 1 फिल करेंगे, यहाँ 25 फिल करेंगे, ठीक है। ये तो फिल कर ही सकते हैं, लेकिन और भी फिल कर सकते हैं क्या, 5 into 5 दोनों फिल किया जा सकता है, लेकिन इस रूल के जो बुक में दिया है तो यहाँ पर 1 का ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, यूज करेंगे। तीसरा जो सी है, इफ 1 फैक्टर ऑफ द प्रोडक्ट 16 is 10 देन द अदर फैक्टर इज। देखिए कह रहा है यदि हमारे पास कोई संख्या है 60, उसका एक फैक्टर 10 है, तो दूसरा फैक्टर क्या होगा। फैक्टर का मीन्स होता है गुणनखंड, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम 10 से डिवाइड करेंगे कितनी टाइम जाएगा, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40, 10 5 जा 50, 10 6 जा 60, कितनी टाइम डिवाइड हुआ, 6 टाइम हुआ ना। तो यहाँ पर क्या फिल करेंगे, 6 फिल करेंगे। वेन द प्रोडक्ट इज 0, वेन द प्रोडक्ट इज 0 देन वन ऑफ द फैक्टर इज ऑलवेज, देन वन ऑफ द फैक्टर इज ऑलवेज 0। यदि किसी भी नंबर्स का जो प्रोडक्ट हो 0 आ रहा है, तो उसका जो फैक्टर का एक प्रोडक्ट होगा, फैक्टर का एक पार्ट जो होगा वो 0 होगा। मैंने बताया था ना किसी संख्या में यदि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू 0 आती है, ठीक है ना। तो उसी का यूज करके हमें यहाँ पर 0 फिल करना है। 69 जा 9 जा 16 कितना होता है, ये नहीं करना है। 19 जा 19 6 जा, यहाँ पर 6 फिल करेंगे, 6 फिल करेंगे, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ओके। When the product is one of the टू फैक्टर्स,
when the product is one of the two factors, then the other factor is always. Kara, when the product is one, when the product is one, ठीक है, of the two factors, then the other factor is always one. ओके, ये समझ में नहीं आया? इसका कहने का मीन्स है, यदि किसी भी संख्या का उसका जो प्रोडक्ट मल्टीप्लाई वन है, ठीक है, दो फैक्टरों में से उसका एक प्रोडक्ट वन है, तो दूसरा फैक्टर क्या होगा? यदि हम वन इंटू वन करते हैं तभी वन आएगा, ठीक है, एक वन तो पहले से है, दूसरा क्या होगा? वन होगा. यदि कोई और दूसरा नंबर दिया होता तो उसकी सहायता से हम निकाल सकते थे, ठीक है. और ये हमारा कंप्लीट होता है, इसको आप कॉपी में नोट कीजिएगा. देखिए यहाँ पर एक्सरसाइज 4.5 है, 4.5 फैक्टर्स एंड प्रोडक्ट. आइए इसको भी देख लेते हैं. फैक्टर क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है. फाइंड द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मीन्स होता है मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है वही प्रोडक्ट होता है. प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं, यदि हमें टेबल याद है तो प्रोडक्ट बहुत आसानी से फाइंड करेंगे. 4.5 जा कितना होता है, 20. 4.5 जा 20, ओके. 5.3 जा 15, 2.2 जा 4, ऐसे फिल करना है आपको, टेबल पढ़ के लिख देना है. 7.3 जा 21, 7.8 जा 56, 3.3 जा 9, 4.4 जा 6, 5.5 जा 25, 6.6 जा 36, ठीक है. इसी तरीके से फिल करिए, कॉपी में लिखिए, ओके. दूसरा है राइट द मिसिंग फैक्टर. राइट द मिसिंग फैक्टर, देखिए आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पर फिल करना है, जो दिया है इसको फिल करना है. फिल करने के लिए यहाँ पर वन फैक्टर 3 दिया है और दूसरा फैक्टर में फाइंड करना है, ओके. देखिए बहुत ही आसान तरीका, सबसे पहले आप 3 का टेबल पढ़िए, कितनी टाइम जाता है कि किस आएगा. 3 का टेबल हम कितनी समय रीड करेंगे कि आएगा 21. 3.1 जा 3, 3.2 जा 6, 3.3 जा 9, 3.4 जा 12, 3.5 जा 15, 3.6 जा 18, 3.7 जा 21. 3.7 जा 21, तो यहाँ हम क्या फिल करेंगे, 7. 3 का टेबल हम 7 टाइम पढ़ेंगे तो 21 आएगा. अब 5 का टेबल 4 टाइम पढ़ेंगे 20 आएगा. 6 का टेबल 6 टाइम पढ़ेंगे 36 आएगा. 7 का 7 से 49, 8 का 10 से 80, ओके. मुझे उम्मीद है आप सब कर लेंगे. यहाँ पर आइए देखते हैं, यहाँ भी कुछ दिया है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है. देखिए 7 का किससे करेंगे, 10 से. 7 जा 70, 8.4 जा 32, 9.4 जा 36, 8.7 जा 56, 9.8 जा 72, ठीक है. इसी तरह से टेबल पढ़ना है और राइट करना है. लास्ट है राइट दी प्रोडक्ट. प्रोडक्ट का मीन्स आपको बताया मैंने, मल्टीप्लाई करना, जैसे मैंने पहले किया उसी तरीके से इसको करना है. 8.2 जा 16, 6.2 जा 12, 8.3 जा 24, 7.4 जा 28, सेम बाकी करना, ठीक है. है ना आसान, सॉल्व कीजिएगा. मैंने बताया था यदि आपको टेबल पता है तो आप फैक्टर और प्रोडक्ट दोनों फाइंड कर लेंगे, यदि आपको टेबल नहीं पता तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे. तो सबसे पहले आप टेबल को पढ़िएगा. मैंने पिछले ही वीडियो में बताया था कि टेबल आपको पढ़ने हैं, 3 एक्सरसाइज तक आपको टेबल ही पढ़ने हैं. देखिए ये भी टेबल ही है, टेबल का ही एक भाग है, ओके. इसे आप सब पढ़िएगा. अब अगले वीडियो में हम लेके आएंगे मल्टीप्लीकेशन आइटिक लाइन्स, ओके. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू. हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए.